अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आज हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले है, देखें, बेसिक कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली फोर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूजर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। ये चार सिस्टम्स मिलकर हम इसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। अब इसमें आपका ये देखें कंट्रोलर्स भी होते हैं, आपका इसमें डेटाबेस सिस्टम भी होता है। इसका आपने सबसे पहले हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम अपने लिए यूज करते हैं। इसी तरह आगे अब हम देखते हैं कि इसमें जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक प्लास्टिक में कवर होती है। इसके अंदर ALU और कंट्रोल यूनिट होता है। ALU में हम तमाम वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। अरिथमेटिक में तमाम मैथमेटिकल फंक्शंस आ जाते हैं, जबकि लॉजिकल में तमाम कंपैरिजन के फंक्शंस आ सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर जिसमें एक प्रोसेसर होता है उसको हम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं, और जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं उसको हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स कहते हैं, जिसको हम ड्यूअल कोर, कोर टू डू और इवन ऑक्टा कोर भी कहते हैं। अ पार्टिकुलर कंपोनेंट विच हैव अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेसर, जैसे पेंटियम प्रोसेसर और ATM प्रोसेसर भी कहते हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको मेन मेमोरी, इसमें फिजिकल मेमोरी दैट इज एन इंटरनल पार्ट प्लेस्ड इनटू मेन बोर्ड, मेन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एक्सटर्नल मास स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क डिवाइस विच आर एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ मेन बोर्ड। यानी रैंडम, इसमें मेन मेमोरी वो टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें सबसे पहले हम कोई भी चीज ओपन करते हैं तो डाटा सबसे पहले वहां पर लोड होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी अगर रैम ज्यादा होगी तो कंप्यूटर जो है उसकी थोड़ी सी स्पीड फास्ट होगी। कंप्यूटर अगर शट डाउन कर जाए तो तमाम प्रोग्राम्स डाटा क्लियर हो जाते हैं, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। इफ वांट टू स्टोर एंड डाटा, अगर हम कोई भी डाटा परमानेंटली सेव रखना चाहते हैं तो वो हम हार्ड डिस्क, USB ड्राइव या इस चीजों पर रखेंगे सेव। इसी तरह इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, जिसमें इनपुट डिवाइसेस फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। इन आउटपुट मॉड्यूल्स में जो कि कंट्रोल करता है इन डिवाइसेस को, डाटा और इंस्ट्रक्शंस एक कंप्यूटर से फिजिकल डिवाइसेस के थ्रू मूव करती हैं। हर एक डिवाइस का अपना इन आउट डिवाइस कंट्रोलर होता है जो कि कम्युनिकेशन करता है डिवाइस और प्रोसेसर के दरमियान में। इसी तरह सिस्टम बस होती है जो एक मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि डाटा एंड कमांड सिग्नल्स को कम्युनिकेट करता है। CPU जो होता है वो कनेक्ट करता है ऑल अदर कंपोनेंट का थ्रू सिस्टम बस। CPU कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स अदर कंपोनेंट बाय सेंडिंग कमांड सिग्नल्स, यानी कमांड सिग्नल से तमाम बाकी कंप्यूटर सिस्टम के हिस्सों को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद CPU रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स भी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स हैं जो कि क्विकली आपके डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, जिसमें मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो कि आपके एड्रेस को होल्ड रखता है जब तक उसको राइट डाटा करना होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर जो थोड़ी देर के लिए आपके डाटा या इंस्ट्रक्शंस को अपने पास रखता है, इन आउटपुट रजिस्टर्स, इन आउटपुट बफर रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस फेच करने के लिए, ताकि आपका सिस्टम जो है वो आइडियल ना हो तो उसमें हम पहले से इसमें स्टोर कर देते हैं। उसके बाद CPU रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं कि जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को फेच करते हैं मेन मेमोरी से। इसी तरह एक्युमुलेटर रजिस्टर्स, जिसमें आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इसी तरह स्टैक कंट्रोल रजिस्टर्स, जिसमें मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज सबसे आखिर में आएगी वो सबसे पहले जाएगी। इसी तरह इसमें फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं जो कि सर्टेन कंडीशन को शो करते हैं, ये 1 byte के भी हो सकते हैं या 2 byte के भी हो सकते हैं। ये ज्यादातर फ्लैग शो करता है या ऑन है या अपने रूटीन इन द एल्गोरिथम, कि अगर फ्लैग को हम चेक करते हैं किसी कुछ एल्गोरिथम में कि ये ऑन है तो आगे हमारे एल्गोरिथम की रूट क्या है। अब उसके बाद आ जाए मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होती है कि हम जब भी कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में तो हम कैसे डाटा को एक्सेस करते हैं, कैसे डाटा को डिकोड करते हैं और कैसे डाटा को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो ये इसको हम मशीन साइकिल कहते हैं। लेकिन सबसे पहले डाटा आता है उसको हम फेच करते हैं, फिर वो डिकोड होता है, जिस तरह आपका पासवर्ड जो होता है वो स्टार स्टार बन जाता है, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर वो एक स्टोर हो जाता है। यानी सबसे पहले